भाई लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, और अब करते हैं कमेंट निकालते किसका नाम आ रहा है। तो उधर ये उसे मैं रावण सौंप दूंगा, और जिस जिसको आना है वो आ सकता है गुलाबी बाग गेट नंबर 1 पे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और वेलकम है आपका फिर से एक मेरी नई वीडियो में। तो मैंने अभी तक 2 वीडियो डाली है गिव अवे की। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोटा राउंड बना रहा हूँ, उसका गिव अवे कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट में मैंने वो पूरा करते हुए दिखा दिया था, डेंटिंग पेंटिंग डिज़ाइन ये सब करते हुए मैंने दिखा दिया था। तो इस वीडियो में वो देखना है कौन उसका हकदार है, उसका देखेंगे कि किसका कमेंट अच्छा है, जो भी हम तरीका भी देखते हैं किस तरीके से इसका विनर निकालना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको रावण दिखा दूं कुछ बनाया था ऐसे, ये देखो भाई सारी चीजें इसकी, ये देखो एक शॉट में आपको दिखा दूं भाई इसका पूरा बनते हुए आपको देखना है तो आप देख सकते हो। पर अब आप जो इस वीडियो में अगर कोई नया है तो वो तो बन नहीं सकता अब विनर, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसके कमेंट से निकालेंगे। फिर भी आपको मैं रावण दिखा दूं कैसा था, ये देख लो इसके कान वान सब भी मैंने बनाए हुए, ये देखो। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें रखी थी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोला था, और दूसरा अपने कमेंट मतलब कमेंट के अंदर अपनी इंस्टाग्राम आईडी और कोई अच्छा सा कमेंट कर देना, बस मैंने यही चीज़ बोली थी, एक चीज़ कमेंट और एक चीज़ सब्सक्राइब। बाकी रावण मैंने आपको दिखाई दिया कैसा है, बाकी इस पे मैंने सारे डिज़ाइन डिज़ाइन करते हुए आपको पहले मैंने दिखाए हुए हैं। तो इसका विनर निकालने के लिए मैंने एक तरीका देखा है फिलहाल, जो उसमें क्या था वेबसाइट से कुछ उसके अंदर अपना मतलब यूट्यूब का वो वीडियो की लिंक पेस्ट करके उसमें हम कमेंट पी कर डाल देते हैं, उसमें कोई भी रैंडम कमेंट अच्छा जो उसे लगेगा या जो भी है वो अपने आप ही उठा लेगा, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और हाँ, बहुत लोग कहते हैं इसमें मैं मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ इसमें चेंज की है, वो क्या है। अब मैं गुलाबी बाग गेट नंबर 1 नियर NKS हॉस्पिटल के यहाँ पर जो गेट नंबर 1 है यहाँ पर रावण मिलेगा विनर को, और जिसको आना आ सकता है अपनी सेफ्टी से, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ क्योंकि सब लोग कह रहे थे ये फेक गिव अवे है इसलिए। तो भाई फिलहाल ये मैंने यूट्यूब खोल लिया है और ये मेरा चैनल है कुछ, ये इसके अंदर ये वाली वीडियो के मैंने कमेंट बोले थे जो फाइनल रावण हो गया था ये वाला, तो ये रहा कुछ वीडियो, इसमें से मैं इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है कॉपी हो गई। तो भाई लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, और अब करते हैं कमेंट निकालते कि इसका नाम आ रहा है ये, नहीं भाई आईडी नहीं दी इसमें, इंस्टाग्राम रिजेक्ट पहले बताया था मैंने आपको, इसमें भी आईडी नहीं दी है, सॉरी इसमें भी नहीं दी। करण सिंह लॉक्स आईडी नहीं है भाई इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम आईडी नहीं दी भाई। देख लो कितने तुम विनर आए हो ना, किसी ने अगर आईडी दी होती अब तक जीत जाते तुम। आईडी दो यार, कोई तो आईडी वाला हो, इंस्टाग्राम आईडी किसी ने दी नहीं क्या? थैंक यू भाई, आईडी नहीं दी, सॉरी आईडी इंस्टाग्राम आईडी, अबे भाई किसी ने आईडी नहीं दी क्या अपने इंस्टाग्राम की? आईडी इंस्टाग्राम भाई कोई तो दो अपनी इंस्टाग्राम आईडी। पहले बोला था मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम से पिक करूंगा, इंस्टाग्राम आईडी भाई देख लो तुम कितने सारे विनर हो, किसी एक ने भी आईडी दी होती ना तुम में से विनर हो जाते तुम अब तक। ये देखो अब आई एक आईडी दे रखी है, ये रही शिवम सिंह 69,
इससे बात करते हैं। चलो मार्वल फैन बॉय, रावण बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे रावण बनाते हो, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। सिंह सिख और शिवम सिंह 69। यहाँ से करते हैं कॉपी, ये है आईडी। चलो छोटा बच्चा है, सही आई आईडी, सही जीता है, क्योंकि बच्चों के हाथ में सही है ना, बड़ों के हाथ में तो बड़े तो बेचारे खरीद भी सकते हैं, बच्चों कहाँ मतलब इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैसेज करते हैं इनसे पहले, मैसेज ऑन हो यार बस इनका, हाँ ऑन है। पर यार अब ये देखना है ये रिप्लाई कितनी देर में आता है, भाई ज़्यादा देर में रिप्लाई आया तो भाई वो नहीं कर सकते। तो भाई फिलहाल ये है नेक्स्ट डे, जो मैंने कल कमेंट पीकर से विनर निकाला था, बहुत सारे विनर, पहला तो निकला था आपका एक मनीष प्रजापति निकला था उत्तम नगर से, और उसका क्या था मैंने उससे बात की थी, कॉन्टैक्ट मेरा कल ही हो गया था उससे, तो और उसने ना मना कर दिया था मुझे रावण नहीं चाहिए, क्योंकि कोई इशू होगा उन्हें, और या तो मतलब वो कह रहे थे मेरे को अभी दशहरे से एक दिन पहले कहीं जाना है तो इस वजह से हम नहीं ले सकते। तो उससे मना करने के बाद ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमने नेक्स्ट विनर निकाला है, वो मेरे एरिया से ही निकला है, मतलब प्रताप नगर से। तो उससे क्या था, उससे कॉन्टैक्ट कराया मैंने, तो उससे रात को कॉन्टैक्ट हुआ था मेरा लगभग 12 बजे के आसपास। तो अभी नेक्स्ट डे वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो उससे मेरी पूरी बात हो गई है कि कैसे उसे रावण मिलेगा, कैसे कहाँ पर आना है, तो अब मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। तो जो विनर था उसका नाम शिवम सूत ऐसे करके है कुछ, और उसका भी मैं आपको चैट दिखा देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जैसे उससे मेरी बात हुई है, मैंने बोला था इंस्टाग्राम आईडी जरूर देना, मैंने पहले ही बोला था कमेंट में उस वाली वीडियो में, और कमेंट में बहुत कम लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी नहीं दी, एक ने फ़ोन नंबर भी दिया था, वो भी विनर निकला था, पर वो क्या जयपुर का निकला। तो भाई इससे मैंने सबसे पहले हाई भेजा था, शायद इसका प्राइवेट अकाउंट था, तो पहले एक्सेप्ट करके इसने मेरे बायो में लिंक देख ली होगी ना चैनल की, तो समझ गया होगा, तो इसमें हाई भेजा तो इसने हेलो ब्रो भेजा, फिर मैंने इससे पूछा तुमने कमेंट किया था गिव अवे के लिए, तो इसने हाँ ये वो, तो मेरा चलते है ऐसे ऐसे इसने बोला, तो इससे मेरी पूरी बात हो गई है। पहले मैंने इसे बोला टैगोर गार्डन के लिए आने के लिए, तो इसने मना कर दिया कि ज़्यादा दूर हो जाएगा, फिर कह रहा था कि दोस्तों के साथ आ जाऊँगा, तो फिर मैंने ठीक नहीं समझा, तो मैंने बोला गुलाईबाग के बाहर ही तुम्हें दे दूँगा बुला के। तो इसके भाई सारे चैट है तुम देख लो, ये देखो गेट नंबर इसने बोल दिया, भैया मैं आ जाऊँगा 12 बजे गेट नंबर 1 पे, ये देखो ओके। दिल्ली से, दिल्ली का है ये गिव अवे। तो अब जो ये गिव अवे कैसे मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो शिवम है वो आएगा चलते हैं गुलाईबाग गेट नंबर 1 पे, तो उधर ये उसे मैं रावण सौंप दूंगा, और जिस जिसको आना है वो आ सकता है गुलाबी बाग गेट नंबर 1 पे 20 तारीख सुबह 12 बजे चलते पीएम पे, 12 पीएम कहते हैं उसे, सुबह 12 बजे ये रावण का गिव अवे गेट नंबर 1 गुलाबी बाग पे होगा नियर एनकेएस हॉस्पिटल। तुम सबके आगे ही दूंगा, अगर जिसको आना है वो आ सकता है, छोटे बच्चे ना आए, जिसको जो बड़े हैं वो आ सकते हैं अपने सेफ्टी के साथ, वो तुम देख लेना, उसका मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। बाकी यूट्यूब पे वीडियो डलेगी पूरे गिव अवे की, कि रियल है कोई फेक नहीं है, और बाकी जैसा भी होगा पूरा गिव अवे की वीडियो आएगी, वो आप देख लेना, सबके आगे गिव अवे होगा, उससे भी बात कराऊँगा, उससे वो भी वीडियो में लूँगा जो ये गिव अवे जीता है। तो गिव अवे इस रावण का कल होना है, कल है 20 तारीख सुबह 12 बजे होगा इसका, और जिस जिसको आना है आ सकता है, सबके आगे होगा, और देखते हैं कैसा गिव। तो भाई बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो फिलहाल यहाँ पर कुटिया का काम चालू हो रखा है, यहाँ पर ना झोपड़ी बन रही है रामलीला के लिए, उन्होंने मेरे को बोला था तो मैं उनके लिए छोटी सी कुटिया बनाई है, लगभग होगी 8 फिट की, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अभी बस ये अभी रेडी हो जाएगी, आज इन्हें चाहिए पेपर मारना है इन पे, ब्राउन पेपर तो मेरे पे पड़ा है, रेडी करके उन्हें दे दूँगा। तो जो इसका फाइनल लुक है ना वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको दिखा दूँगा, अगर इस किसी को देखना है तो इसका फाइनल लुक क्या है, प्रॉपर इस पर फूस लगेगी, सब कुछ लगेगा। अभी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी देखो ये गिव अवे मैंने किया था तुम्हारे लिए सिर्फ, और
पूरा मैंने रावण देखो कैसे सजाया था कितना बढ़िया से। अब ये जा रहा है शिवम पे और देखते हैं शिवम इसका क्या करेगा। मैंने तो वैसे उससे बात की है कि भाई दशहरे पे मुझे इसकी वीडियो चाहिए जलते हुए की, और किसी को देना नहीं है रावण जला के, और मेरे को वीडियो देनी है इसकी। मैं यूट्यूब पे पूरी वीडियो इसकी डालूंगा कि कैसा ये जला है। भाई मेहनत किए तो थोड़ा बहुत तो इतना तो मैं देख ही सकता हूँ कैसा जला है। वो बंदा भेज देगा वैसे कह रहा है, मैं वीडियो भेज दूंगा। तो बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।